हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए और बीएससी के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी सेकंड सेम क्लियर किया है और अब थर्ड सेम में उनका एडमिशन या प्रमोशन हम कहें वो होने जा रहा है, तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कॉलेज की तरफ से। इसके साथ ही मैं आपसे ये कह दूँ कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कॉलेज से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं, जो आपके लिए विश्वसनीय भी होती हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पर अपनी वीडियो को। तो बीसीए या बीएससी में जिन्होंने सेकेंड सेम क्लियर कर लिया है उन सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है थर्ड सेम में, तो उसके लिए अगर आपने प्रमोशन फी भर दी है तो ठीक, अच्छी बात है। अगर नहीं फी पे की है तो आप उसको 15 सितंबर तक ई प्रवेश के पोर्टल पे जाके आपको प्रमोशन की जो फीस है आई थिंक 500 रुपीज है वो, और कुछ आपका पोर्टल चार्ज होगा, तो वो आपको 15 तारीख तक सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट में जा करके 200 रुपए वाला एक फॉर्म मिलेगा, उसके साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, ठीक है। यदि आप मेधावी थे तो पिछली जो फीस पे हुई होगी या मेधावी का जो स्टेटस है जो भी आप हर बार करते हैं वो, साथ में आपके दोनों सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स भी आ जाएंगी आई थिंक 15 सितंबर तक, क्योंकि ये डेडलाइन दी हुई है ऑनलाइन भरने की फीस, तो ये सब आप जमा कर देंगे, ठीक है। ये सारे दस्तावेज आपको कहाँ जमा करना है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपका जो सेक्शन है अगर B1 से B4 तक का है तो आप बायोटेक में जाएंगे, B9 केमिस्ट्री में, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर सारे देख लीजिए। तो यहाँ पर ये थे बायो ग्रुप के, और मैथ्स ग्रुप की यदि हम बात करें तो M1 से लेकर के M3 तक का जो है ये आपका कंप्यूटर साइंस में होगा, ठीक। और जो M10 है उसका फिजिक्स में होगा, तो ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना सब कुछ, ठीक है। तो और जो प्रवेश शुल्क की द्वितीय किश्त जो है आपकी वो 10 सितंबर तक ऑनलाइन SB कलेक्ट के माध्यम से जमा करना है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपकी पेमेंट है वो अगर आप फीस पे करते हैं, कोई स्कॉलरशिप नहीं है, तो वो भी आप SB कलेक्ट के थ्रू सबमिट करना रहेगी आपको। और यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। डॉक्यूमेंट्स जो आपने पिछली बार जमा किए थे जब आपने एडमिशन लिया था, तो लगभग वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट, क्योंकि TC और माइग्रेशन आपका जमा हो चुका है, तो उनको छोड़ करके बाकी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे सबमिट होंगे, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट और सेकेंड सेम की मार्कशीट्स हैं वो आप SBI कलेक्ट से जो भी फीस पे कर रहे हैं वो, और मेधावी का यदि आपका स्टेटस आ जाता है वो, और आपकी जो प्रमोशन फीस का रिसिप्ट मिलेगी आपको 500 वाली, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। तो इसका आपको टाइम दे रखा है 15 सितंबर तक फीस पेमेंट करने का, और उसके बाद में आपको इसकी कोई डेडलाइन नहीं दी है कि डॉक्यूमेंट्स कब तक जमा करना है, बट मोस्ट पॉसिबली जब 15 तक आप जमा कर दोगे तो आप सबमिट भी कर देंगे डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो ये था थर्ड सेम वालों के लिए। सेम ही जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है फिफ्थ सेम के लिए भी। तो अब यहाँ पर इस वाले नोटिफिकेशन को यदि हम देखें तो ये है बीसीए और बीएससी फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर इनको भी यही चीज कही हुई है कि ई प्रवेश के पोर्टल पे जो आपको प्रमोशन फीस पे करना है उसकी डेडलाइन है 15 सितंबर, और ये सब जमा हो जाने के बाद आपको 200 रुपए का फॉर्म जो है वो परचेस करना है, और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके उसकी लिस्ट भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और यदि मेरे पास आएगी तो मैं उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट का अलग से नोटिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो हम बना लेंगे, बट अभी आप ये मान के चलो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लास्ट टाइम सबमिट किए थे उसमें से टीसी माइग्रेशन और 10th 12th सबमिट नहीं होगा, बाकी आपका सब कुछ सबमिट होगा, ठीक है। तो ये सबमिशन करने के बाद में आपको यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं आपका जो भी सेक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करना है, ठीक है। और बीसीए का यदि यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो बीसीए ऑब्वियसली किसमें सबमिट होगा, सीएस में, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।